गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो भैया, आपने राजस्थान की नदियाँ और झीलों का टॉपिक अपने स्टार्ट कर रखा था, जिसमें अपने नदियाँ कंप्लीट हो चुकी है और अब अपने बात कर रहे हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, जिसमें अपने दो झील जयसमंद झील और राजसमंद झील अपने बढ़ चुके हैं। क्लियर है? आज अपने फिर दो झीलों की बात करेंगे भैया, और दोनों ही झील जो है वो उदयपुर की बहुत ही सुंदर या सबसे सुंदर झीलों में मानी जाती है। और कौन सी है अपने? एक तो है फतेह सागर झील और दूसरी झील है भैया अपने पिछोला झील। देखो, दोनों को साथ में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि दोनों झीलें जो है वो आपस में जुड़ती है। स्वरूप सागर एक झील है, इसके द्वारा दोनों झीलें आपस में जुड़ती है और दोनों ही उदयपुर की अपने उदयपुर जिसे अपने भैया झीलों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही झीलें जो है वो उदयपुर की अपने मेन झीलों के अंतर्गत आती है। तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फतेह सागर झील। देखो भैया, फतेह सागर झील ये है आपकी कौन सी झील? सपोज कर लो फतेह सागर झील। क्लियर है? अब देखो, इसका निर्माण किसने करवाया था? मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था कि अपने भैया जितनी भी झीलें होती है उन झीलों का निर्माण या उनका नामकरण जो है वो लगभग जिस शासक के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर इसका क्या होता है? नामकरण होता है। जैसे कल पढ़ी थी अपने राज सिंह के द्वारा राजसमंद, जय सिंह के द्वारा जयसमंद झील, उसी प्रकार से भैया ये है अपने फतेह सागर झील। इसका नाम फतेह सागर क्यों पड़ा उसकी चर्चा अपने करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो यह झील जो है इसे अपने देवबाली झील, इसे अपने कनोट झील और इसे अपने फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये तीन नाम है इसके, देवबाली झील, कनोट झील और फतेह सागर झील। अब ये नाम क्यों पड़े? देखो भैया, इस झील का निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने। सबसे पहले इस झील का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के एक महाराणा थे। आपको मेवाड़ इतिहास पढ़ाया हुआ है, जय सिंह कौन था आपको सबको पता है। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे जय सिंह, इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। कौन से गांव में करवाया था? देवाली गांव में करवाया था। देवाली गांव में निर्माण होने के कारण इस झील का नाम क्या पड़ गया? देवाली झील। क्लियर है? सेकंड बात भैया, इस झील को कनोट झील क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस झील की जो आधारशिला है वो एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनोट। क्या नाम था? ड्यूक ऑफ कनोट। इसके द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? आधारशिला रखी गई थी, इस झील की पाल रखी गई थी। इस कारण इस झील को अपने क्या कहते हैं? कनोट झील कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं भैया, फिर मेवाड़ के महाराणा हुए थे भैया फतेह सिंह। फतेह सिंह वही है जिन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया लिख, जिनको रोकने के लिए अपने केसरी सिंह बारट ने क्या लिखे थे? चेतावनी राज चुंगटिया। जब आपको केसरी सिंह बारट पढ़ाया था उस समय इसके बारे में बताया हुआ है कि ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे और इनको रोकने के लिए, इनका स्वाभिमान जगाने के लिए केसरी सिंह बारट जो थे उन्होंने 1300 लिखे थे जिनको अपने चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से जाना जाता है। और उनको पढ़कर इनका स्वाभिमान जाग गया और ये दिल्ली जाकर भी भैया दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए थे। यही थे वो कौन? अपने फतेह सिंह। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो थे भैया उसके समय इस झील का जो है वो क्या करवाया गया? पुनर्निर्माण करवाया गया। क्यों? क्योंकि उस समय बाढ़ से भैया ये झील जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी एक प्रकार से। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो है उन्होंने इस झील का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया इसलिए इस झील का क्या नाम पड़ गया? फतेह सागर झील। समझ गए होंगे? कई बार क्या होता है भैया, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते फतेह सागर झील कहाँ स्थित है, सीधा नहीं आता है। आपको पूछ ले देवाली झील कहाँ है तो अपने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका तो नाम ही नहीं सुना। कनोट झील कहाँ है? कनोट झील भी कहते हैं, कनोट बांध भी कहते हैं इसको। अब बात करते हैं भैया इस झील से संबंधित अन्य बातें। देखो सबसे मेन बात, अपने भैया उदयपुर की सबसे सुंदर झील है ये, सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है वो इसी झील के किनारे जाते हैं। इस झील के किनारे भैया यहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है मोती मगरी, मोती मगरी। और इस पहाड़ी पर अपने महाराणा प्रताप का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। कौन सी झील के किनारे? अपने जो फतेह सागर झील है इसी झील के किनारे मोती मगरी नामक पहाड़ी पर
अपने महाराणा प्रताप का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। इसी झील के अंदर एक बगीचा है, एक बाग है, जिसका नाम है नेहरू उद्यान। क्वेश्चन आता है नेहरू उद्यान जो है वो किस झील के किनारे स्थित है या किस झील में बना है, तो कहां पर है ये, अपने फतेह सागर झील में। अपने राजस्थान की पहली सौर वेधशाला जो है इसका निर्माण भी अपने फतेह सागर झील पर ही कराया गया, मतलब पहली सौर वेधशाला जो है वो कहां पर लगाई गई है, फतेह सागर झील में। देखो ध्यान रखना, राजस्थान में पहली सौर ऊर्जा से चलित नाव जो चली थी ना, वो तो चली थी कहां पर, पिछोला झील में। मतलब सौर ऊर्जा से नाव चलाई वो तो कौन सी झील में, पिछोला झील में। और सौर वेधशाला है वो कहां पर है, अपने फतेह सागर झील में। दोनों को आपको ध्यान रखना है। इसी झील के किनारे भैया अपने टेलीस्कोप लगाया गया है, टेलीस्कोप या अपनी भाषा में बोले तो दूरबीन। किस झील के किनारे, फतेह सागर झील के किनारे अपने अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए यहां पर टेलीस्कोप या दूरबीन भी लगाई गई है। इसी झील के किनारे भैया एक बगीचा और बना हुआ है अपने मेवाड़ के शासक थे संग्राम सिंह, संग्राम सिंह अपने राणा सांगा नहीं, संग्राम सिंह द्वितीय। इन संग्राम सिंह द्वितीय ने भैया अपनी पुत्री थी, इनका एक नाम था पुत्री का शकुंतला। संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री थी शकुंतला। इस शकुंतला के लिए संग्राम सिंह द्वितीय ने इसी झील के किनारे एक बगीचे का निर्माण करवाया, जिसे अपने सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है। कौन सी बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी देखो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शकुंतला जो है वो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सहेलियों की बाड़ी। ये तो हो गई भैया अपने कौन सी झील, फतेह सागर झील। अब दूसरी झील की बात करते हैं, अपने पिछोला झील की। देखो कोई ज़्यादा विशेष नहीं है अपने याद करने में, मेरे ख्याल से एक या दो बार पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, ठीक है। फतेह सागर झील अपने हो गई, अब दूसरी झील आती है भैया अपने कौन सी झील, पिछोला। ये मान लो आपकी कौन सी झील हो गई, पिछोला झील। देखो अब पिछोला झील जो है इसका निर्माण भी एक शासक के समय हुआ था, अपने मेवाड़ के थे महाराणा लाखा, जिनको लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये वही महाराणा लाखा है भैया जिन्होंने हंसाबाई के साथ में, मारवाड़ की जो हंसाबाई थी रायमल की बहन, उसके साथ में क्या किया था, विवाह किया था। वही कौन है, राणा लाखा। तो राणा लाखा जो थे भैया उनके समय एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू बंजारा। इस पिच्छू बंजारे ने अपने बैलों की याद में इस झील का निर्माण करवाया था, इसलिए इस झील का नाम क्या पड़ गया, पिछोला झील। पहली बात तो ये, बंजारे का क्या नाम था, पिच्छू बंजारा, इसलिए झील का क्या नाम पड़ गया, पिछोला झील। एक चीड़ी मार था, उसने अपने बैलों की स्मृति में, अपने बैलों की याद में इस झील का निर्माण करवाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट झील है भी, अपने बहुत सारे क्वेश्चन इसी झील से पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा अपने ध्यान से देखना है। तो राणा लाखा ने निर्माण कर दिया। दूसरी बात भैया, यह जो झील है इस झील का निर्माण अपने उदयपुर के जो महल है उस महलों के पीछे ये झील बनी हुई है, उदयपुर के जो राजप्रसाद या उदयपुर के जो महल है उनके पीछे ये झील बनी हुई है, इसलिए इस झील को भी अपने पिछोला झील के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है। मेवाड़ के महाराणा थे भैया उदय सिंह, उदय सिंह वही है जिनके साथ में अकबर का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जो है भैया इन्होंने इस झील की क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। अब बात करते हैं अपने इस झील की मेन मेन बातें। देखो भैया इस झील में अपने दो नदियां आकर गिरती है, एक नदी का नाम है सीसारमा और दूसरी नदी का नाम है बुझड़ा। इन दो नदियों से इस झील को क्या होती है, जलापूर्ति होती है। इसी झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है जिसे गलकी का चबूतरा, एक नटनी थी भैया जिसका नाम था गलकी। इस गलकी नटनी का इस झील के किनारे क्या बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है। क्वेश्चन आता है कई बार, कई बार क्या बहुत बार पूछा हुआ, कम से कम तीन चार बार ये क्वेश्चन आ गया कि गलकी नामक नटनी का चबूतरा जो है वो कौन सी झील के किनारे बना हुआ है, पिछोला झील। देखो इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, यहाँ पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, अपने फिर कभी आप चर्चा करेंगे। ये एक नटनी थी, झील को आर पार कर रही थी, रस्सी काट दी गई, बहुत लंबी स्टोरी है, इसकी चर्चा बाद में अपने
करेंगे। तो इसी झील के किनारे क्या बना हुआ है, गलकी नामक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इसी झील के पास में भैया एक बगीचा है जिसे अपने गुलाब बाग या दूध तलाई के नाम से जाना जाता है, गुलाब बाग या दूध तलाई। अब मेन क्वेश्चन देखो भैया, इसी झील के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है जग मंदिर, और इसी झील में एक महल बना हुआ है जिसका नाम है जग निवास। इन दोनों को अपने ध्यान से देख लेना, यहां पे कई बार कंफ्यूज होती है। एक तो बना हुआ है जग मंदिर, एक बना हुआ है महल जिसका नाम है जग निवास, या उसको लेक महल के नाम से भी जाना जाता है। ये जग मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया था भैया मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फरतम ने, और जग निवास जो है इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह शेकिल ने। दोनों कौन थे, क्या इनका योगदान है, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, तो यहां पर इनकी अपनी चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है मंदिर किसका, मंदिर जो है जग मंदिर इसका निर्माण जगत सिंह फट्टम ने, और जग निवास का निर्माण जगत सिंह देवती ने। भैया इसी जग मंदिर में अपने 1857 की क्रांति के समय जो नीमच से क्रांतिकारी भाग कर आए थे उनको मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जो थे उन्होंने शरण दी थी, और इसी झील के किनारे अपने जो मेवाड़ मुगल शासक थे अपने खुर्रम या साजा उनको भी यहीं पर शरण दी गई थी। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं अगले चीज की, या इसी झील के किनारे अपने मुलाकात हुई थी महाराणा यशोरी अमर सिंह, इसी झील के किनारे अमर सिंह और मान सिंह की मुलाकात हुई थी। मान सिंह आपको पता हो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने भेजा था किसको, मान सिंह को। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने किसको भेजा था, मान सिंह को भेजा था। जलाल खां को भी देखो, सबसे पहले किसको भेजा था, जलाल खां को, फिर मान सिंह को, फिर भगवान दास को, फिर टोडरमल को। इनको महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था कि महाराणा प्रताप अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। तो मान सिंह महाराणा प्रताप को जब समझाने के लिए आया था तो महाराणा प्रताप जो है वो मान सिंह से खुद नहीं मिले थे, अपने पुत्र को भेज दिया था, और उनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी, इसी पिछोला झील के किनारे। अगला मेन क्वेश्चन भैया, इसी झील में राजस्थान की सबसे पहली सौर ऊर्जा से चालित नाव चलाई गई थी, मतलब सौर ऊर्जा से पहली जो नाव चली थी वो भी कौन सी झील में चलाई गई थी, पिछोला झील में। तो ये थी भैया अपने दो प्रसिद्ध झीलें फतेह सागर झील और पिछोला झील, दोनों ही इंपॉर्टेंट झील है, दोनों से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ओके भैया, लेट्स गो।